उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक प्रवक्ता सांड के हमले में बुरी तरह घायल हो गया और अभी उसकी हालत नाजुक है। लखीमपुर खीरी में तैयार हो रहे समाजवादी पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन की तैयारी देखने जा रहे जिला प्रवक्ता जाहिद अली को बुधवार को सांड ने उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। नौबत ऐसी हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दरअसल 26 जनवरी की देर रात खीरी कस्बे के मेन चौराहे पर करीब 60 वर्षीय समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता जाहिद अली खान घर से खाना खाकर खीरी कस्बे में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन की तैयारी कार्य को देखने के लिए घर से निकले थे। जैसे ही वो कार्यालय की तरफ पहुंचने वाले थे, अचानक से रोड पर 2-3 सांड निकल आए और जाहिद अली को अपने सींग में उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे जावेद अली गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में सपा के अन्य कार्यकर्ताओं ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। सांड के हमले में सपा नेता जाहिद अली के चेहरे पर काफी चोट आई है। घटना की खबर लगते ही समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रामपाल सिंह यादव के साथ सपा के अन्य कार्यकर्ता जिला अस्पताल पहुंचे, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने घायल हुए जाहिद अली खान के परिजनों से मुलाकात की। वहीं जिला अस्पताल में मौजूद घायल सपा के जिला प्रवक्ता जाहिद अली खान के भतीजे मोहम्मद अकील खान को से जानकारी दी कि वो खतरे से बाहर हैं। उन्होंने घटना के बारे में बताया कि जाहिद अली खान रात का खाना खाकर कार्यालय की ओर गए। इसी दौरान सड़क पर मौजूद सांड ने हमला कर दिया, जिसके बाद सपा प्रवक्ता जाहिद अली खान गंभीर रूप से घायल हो गए।